नहीं है, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट करना था एक्सपेंडिचर्स के साथ। दोस्तों सर, एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा करना है ना। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंस करना। अकाउंटेंसी में भी वही है, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस को हमने क्लासिफाई करा है बहुत सारे हेड्स के अंदर। अब तुम बोलते थे तुम मोबाइल फोन लेकर आए तो बोलते थे ये भी एक्सपेंस है, तुम लैपटॉप लेकर आए ये भी एक्सपेंस है, तुम सुबह मिल्क लेकर आए, ब्रेड लेकर आए, वो भी एक्सपेंस है। तो सर अकाउंटेंसी हमें नया क्या सिखाएगा? अकाउंटेंसी आपको सिखाएगा कि दोस्तों कुछ एक्सपेंसेस आप ऐसे कर रहे हो जो लंबे समय तक आपको बिजनेस में क्या देने वाले बेनिफिट्स, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अभी तो आप कर लोगे और वो एक दिन के अंदर या एक साल के अंदर वो क्या हो जाएगा, उनका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको सालों साल क्या देने वाली है, बेनिफिट्स देने वाली है। तो चलो क्लासिफाई करते हैं कुछ एक्सपेंसेस को। सबसे पहला जो है एक्सपेंस, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द एक्जिस्टिंग एसेट्स व्हिच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर आप कोई नई एसेट्स खरीदते हो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप परचेज करके आए, एक साल बेनिफिट देगा कि चार पांच साल बेनिफिट देगा? सर ऑब्वियसली 4-5 ईयर्स तक आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या तुम्हारी उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी क्या? सर मे बी। देखो अब ऑफिस गोइंग पर्सन हो, ठीक है, आपके लिए लैपटॉप आपकी अर्निंग है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उससे क्या कर रहे हो, बेसिकली अर्न कर रहे हो, वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर आप नया लैपटॉप नहीं परचेज कर रहे, आपका लैपटॉप स्लो हो गया, आपने एग्जिस्टिंग लैपटॉप के अंदर जो भी आपका ओल्ड लैपटॉप है उसकी आपने रैम चेंज करवा दी, उसने आपके आपने उसमें हार्ड डिस्क की जगह वो लगवा दी, नॉर्मल हार्ड डिस्क की जगह कौन सी लगवा दी? SSD लगवा दी। ठीक है, तो या फिर उसकी रैम इंक्रीज करवा दी, स्टोरेज इंक्रीज करवा दी, जिससे उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई और आप उसको अब 4-5 साल और यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो या तो नए एसेट्स ले लो या एग्जिस्टिंग एसेट के अंदर कुछ ऐसी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवा दो जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए एक साल से ज्यादा। कितना बेनिफिट मिलना चाहिए? एक साल से ज्यादा, which will give benefit of enduring nature to the business. It may be incurred to acquire a tangible asset or intangible asset. आप tangible asset भी purchase कर सकते हो, intangible assets भी दोस्तों purchase कर सकते हो। Capital expenditure कहाँ पे दिखाए जाते हैं? ध्यान से देख लेना। अगर आप कोई भी capital expenditure का expense करते हो, आपको balance sheet के asset side पे दिखाना है। कहाँ पर दिखाना है? Balance sheet की asset side के ऊपर। पक्का? Promise? समझे नहीं समझे? Yes sir, समझ गए। Balance sheet की asset side पर। Expenditure सोच के P&L account में मत record कर देना। बिल्डिंग परचेज करते हो, मशीनरी परचेज करते हो, एसेट है आपकी, तो बैलेंस शीट में डालना एसेट साइड के ऊपर। ठीक है, ठीक, ओके सर, समझ गए सर, समझ गए। आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं छोटे मोटे खर्चे। आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी, रेंट पे करा, इनकम टैक्स वगैरह पे कर दिए, ठीक है, टैक्सेस वगैरह आपने पे कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करे, ये सारे के आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सर इनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। एक साल के अंदर बेनिफिट क्या हो जाता है? फिनिश। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड। आप उसका बेनिफिट मजे ले लोगे, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा विद इन अकाउंटिंग पीरियड। इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड, एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह। अब इसको कहाँ पे दिखाते हो? देखो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते थे या फिर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते थे। ठीक है, अब ज्यादा ही मत सोचना सर हमें ट्रेडिंग अकाउंट का तो मतलब नहीं पता, पीएनएल अकाउंट तो मैं आपको समझा दूंगा। चैप्टर वन जो हमने क्लास 12 का जो स्टार्ट करा है उसकी भी सीरीज चल रही है, उसके अंदर मैंने आपको पीएनएल अकाउंट समझा रखा है। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सर ऐसा एक्सपेंडिचर बार बार होने वाले एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर ऑफ रेकरिंग नेचर। कैसे नेचर होता है? रेकरिंग नेचर, बार बार होता है वो वाला खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो कभी कभार हम करते हैं। अरे बिल्डिंग वगैरह प्लांट एंड मशीन भी थोड़ी ना हर महीने खरीदते रहोगे। ठीक है, महंगे महंगे एक्सपेंडिचर होते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर, बार बार होने वाले। ठीक है, इनका बेनिफिट एक साल में खत्म हो जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें एक साल से ज्यादा का क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं। मजा आ गया? यस। और सर ये क्या हो गया? सर 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 एक्सपेंडिचर में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सर ये हमने क्या देख लिया सर? क्रिटेरिया क्या? हाँ जी सर, रेवेन्यू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपने क्लास 11th के अंदर बचपन के अंदर एक एग्जांपल पढ़ा था, लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब मैडम को बेसिकली आपने बुलाया, आपने कंपनी स्टार्ट करी और आपने मैडम को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। क्या बना दिया? ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। देखो मैं इस खर्चे को आपको समझाऊंगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो मैं क्या बोलता हूँ कि जो सारी की सारी जो अकाउंटिंग जो होती है ना वो नाम से समझे जाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आगे पोस्टपोन करना, आगे के लिए उसको क्या कर देना? टाल देना। ठीक है, एक्सपेंडिचर को अभी बुक ना करके आने वाले सालों में बुक करना। फटाफट से समझा रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर जल्दी से देख लो कि सर क्या करना है इसके अंदर, क्या नहीं करना। ठीक है, जल्दी से देखो, देखो क्या होता है इसके अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने कंपनी स्टार्ट करी, उसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर को रखा, कटरीना कैफ को, उसको आपने कितने पैसे दिए? उसने ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए 5 करोड़ रुपए। आप क्या करोगे? उसके साथ 2-3 एड्स बनाओगे। ठीक है, और अपना रिबन कटिंग सेरेमनी वगैरह में भी बुलाया आपने, जहां पे भी आपका शोरूम या ब्रांच आप अपनी ओपन करने वाले थे, तो 5 करोड़ रुपीज उसने दिए, उसमें वो आपके 2-3 एड्स कर देगी। एड्स कहां पर आएंगे? टेलीविजन पे आएंगे। अब देखो टेलीविजन पे एड आएंगे तो उन एड्स से आपकी सेल्स इंक्रीज होगी ना,
सेल्स इंक्रीज होगी, तो सर ये जो एक्सपेंडिचर है आपको बेनिफिट दे रहा है कि नुकसान दे रहा है? सर बेनिफिट दे रहा है, हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। मैंने आपको क्या बोला था, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको बेनिफिट दे, हम उसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एसेट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? एसेट की डेफिनेशन ही क्या थी, सर मैं खर्चा तो कर रहा हूँ लेकिन वो जो चीज है ना मेरे को क्या देगी, मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी, मेरे को हेल्प करेगी, उसको मैं क्या बोल दूंगा, एसेट बोल दूंगा। तो ये जो खर्चा करा मैंने 5 करोड़ का क्रिटिकल कैफ के ऊपर, ये मेरा एसेट है, ये मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है, लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से सुनना, जो टीवी पे एड जो चलेगा वो 1 साल के लिए चलेगा कि 4-5 सालों के लिए चलेगा? सर 4-5 सालों तक चलते रहते हैं सर टेलीविजन पे एड, पुराने पुराने एड जाते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा ये जो 5 करोड़ का ये जो बेनिफिट है आपको कितने साल तक मिलेगा। मैं बोलूँ आपको ये बेनिफिट मिलेगा 5 ईयर्स तक, कितना बेनिफिट मिलेगा 5 ईयर्स तक। तो ध्यान से सुनना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, बोलता है कि आपने 5 करोड़ का एक्सपेंस करा, आपको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, तो आप हर साल 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखाओ। कितना एक्सपेंडिचर दिखाओ हर साल, 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखाओ, और अगले साल के लिए 4 करोड़ का एक्सपेंडिचर डेफर कर दो आगे के लिए टाल दो। मतलब सर जो आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे ना, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आप 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिखाओ 1 करोड़ का, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे आप बनाओ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसमें दिखाओ 4 करोड़। कितना दिखाओ? 4 करोड़। इतना डिटेल में आपने पहले भी नहीं पढ़ रखा होगा। अगले साल क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर फिर क्या करोगे, डेबिट साइड पे दिखाओगे 1 CR, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे आप कितना दिखाओगे, अब देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना बचा, 3 करोड़। कितना बचा? 3 करोड़। ऐसे आप क्या करते रहोगे, हर साल करते रहोगे, दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसको 1 साल के अंदर आपको खत्म नहीं करना, इसको आप 5 साल तक क्या दिखाओगे, खर्चा दिखाओगे। ठीक है, पक्का श्योर? ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, कि इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर, मतलब आपको 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 साल के अंदर ही सारा का सारा एक्सपेंस दिखा दो। ठीक है, तो आपको 5 ईयर्स तक बेनिफिट मिल रहा है, तो 5 ईयर्स तक इस एक्सपेंस को आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। मतलब पीएनएल अकाउंट के अंदर कितने सालों में दिखाओगे, 5 साल तक इस एक्सपेंडिचर को 1-1 करोड़ करके आप दिखाते रहोगे। समझा नहीं समझा? समझा ना? ठीक है, समझा तो जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ कि यस सर समझ में आया, पहले से अच्छे समझ में आया, पहले तो हमने सिर्फ नाम पढ़ा था और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कभी हमने फोटो तो देखी भी नहीं थी। ठीक है, चलो आगे, हो गया बहुत बेसिक। अब थोड़े से और कॉन्सेप्ट समझ लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो प्रीपेड एक्सपेंस होता है कि आपने खर्चा पहले कर दिया, बेनिफिट आप बाद में लोगे, तो ये आपका क्या होता है, एसेट होता है। अभी और डिटेल में समझाऊंगा। प्रीपेड एक्सपेंस जैसे आप अपना मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, प्रीपेड मोबाइल्स के रिचार्ज होते हैं, तो प्रीपेड मोबाइल क्या होता है कि पहले आप कंपनी को पैसे देते हो, फिर आप उसकी सर्विसेज को क्या करते हो, बेनिफिट लेते हो। अब आपने किसी को पहले पैसे दे दिए, एडवांस में पैसे दे दिए, अब सामने वाला आपको क्या देगा, सर्विसेज देगा। सामने वाले के लिए क्या है, लायबिलिटी, और आपके लिए क्या है, एसेट। अब आप तो सिर्फ मजे लोगे ना उस चीज के, है ना, उस गुड्स के या उस सर्विसेज के, आप लोग क्या लोगे, मजे लोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि सामने वाले ने ना आपको सर्विसेज दे दी, लेट सपोज आपका जो बिजली का बिल जो होता है, देखो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है ना, हमेशा वो क्या होता है कि पहले बिल आता है, आप कंजम्पशन करते हो पूरे महीने, बिल आता है, फिर आप उसको क्या करते हो, पे करते हो। तो जब भी आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखोगे ना, तो उसमें लिखा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिस दिस मच। ठीक है, हमेशा उसमें लिखा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज हम उसको कंज्यूम कर चुके हैं, हम गुड्स या सर्विसेज को हम कंज्यूम कर चुके हैं, उसके बाद हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो अब वो हमारे सर पे क्या होगी, लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोस्तों मेरे क्या होते हैं, लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। डेटर्स, डेटर कौन होता है, देखो डेटर इज अ पर्सन, डेटर एक पर्सन होता है, कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो डेटर इज अ पर्सन जिसको मैंने क्रेडिट सेल्स करी, क्या करी, क्रेडिट सेल्स करी। देखो डेटर को हमेशा किसके साथ कनेक्ट करो, क्रेडिट सेल्स के साथ। अभी की अभी अपने रजिस्टर में लिख लो, अगर चाहते हो कि अकाउंटेंसी हमारी स्ट्रांग हो जाए, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स है, अगर नहीं चाहते तो बैठे रहो ऐसे, कोई भी फिर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, डेटर की अगर हम बात करें, डेटर के साथ वर्ड लिखो क्रेडिट सेल्स। डेटर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो डेटर बोलो, ट्रेड रिसीवेबल्स बोलो। ठीक है, डेटर्स किसके साथ कनेक्ट होता है, क्रेडिट सेल्स। मान लो मेरी शॉप है, मेरी शॉप पर आप लोग आए, आप 5 T-shirts लेकर गए, ठीक है, आप पैसे नहीं लाए थे, तो मैंने आपको ऐसे ही दे दिया, क्रेडिट पे सेल्स कर दी। मैंने आपको कैश सेल्स करी, या तो कैश सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स होती है, उधार पे मैंने आपको दिया। अब आप मेरे को पैसे दोगे तो आप मेरे क्या बन गए, डेटर बन गए। अब एक बात बताओ, आप मेरे एसेट हो कि लाइबिलिटी। कल मैंने समझाया था क्या होती है एसेट्स होते हैं, क्या लाइबिलिटीज होती है, आप मेरे एसेट हो, क्योंकि आपके पास से मेरे पास क्या आने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं, और पैसे मुझे बिजनेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बिजनेस में, है ना, कमाने में मदद करते हैं। तो डेटर मेरा एसेट है। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर्स बोलो, ट्रेड पेबल्स बोलो। ठीक है, ये होता है क्रेडिट परचेजेस की वजह से, क्रेडिट परचेजेस की वजह से। मैं एक शॉप पर गया, और सामने वाले बंदे से उधार पे कुछ ले आया, क्रेडिट पर उधार पे कुछ ले आया। अब मुझे उसको पे करना है, तो मेरे लिए वो बंदा कौन हो गया, सामने वाला जो शॉपकीपर है वो कौन हो गया, मेरे लिए क्रेडिटर। मैं जिसको पे करूंगा वो मेरे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर। और सामने वाले के लिए मैं कौन हूं, डेटर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को।
बैड डेट क्या होता है, बैड डेट क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है डेटर के साथ, ये कनेक्टेड होता है डेटर के साथ। मैंने तुम लोगों को टी शर्ट के पैसे, तुम टी शर्ट लेकर गए थे मान लो 5,000 के, तुम टी शर्ट्स लेकर गए और तुमने से मेरे को 4,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए नहीं दिए, तो जो तुमने मेरे को 1,000 रुपीज नहीं दिया ना, तुमने बोला सर हम बच्चे हैं सर कहाँ से देंगे, आपने वैसे ही हमें इतनी महंगी महंगी टी शर्ट्स दे दी है सर, तो हम कैसे देंगे सर, हम आपको 1,000 रुपए नहीं देंगे, स्टूडेंट डिस्काउंट सर 4,000 रुपए हम आपको देंगे, 1,000 रुपए हमारा डिस्काउंट हक का। तो इसको क्या बोलते हैं, बैड डेट, जो पैसा नहीं आया ना डेटर से, जो मर गया पैसा, डूब गया पैसे, जो डेटर से पैसे नहीं आए, अब नहीं आने वाले आपके पास, उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट। क्या बोलेंगे, बैड डेट। डेट का मतलब होता है कर्जा देना, गंदा कर्जा देना, मतलब उस बंदे से मेरे पास पैसे नहीं है। डिप्रिसिएशन, देखो डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन कनेक्टेड होता है फिक्स्ड एसेट्स के साथ, डिप्रिसिएशन कनेक्टेड होता है, ध्यान से देखो, देखो मैं सब चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, तुम्हें कुछ भी चीज नहीं छोड़ रहा, लेकिन ध्यान से समझ तो लो। देखो डिप्रिसिएशन वर्ड कनेक्टेड होता है फिक्स्ड एसेट्स के साथ, फिक्स्ड एसेट्स होती है दो तरीके की, एक होती है टैंजिबल एसेट्स और एक कौन सी होती है, इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है टैंजिबल एसेट्स के लिए, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है टैंजिबल एसेट्स के लिए, और इनटैंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। सर अमोर्टाइजेशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है आज मैं कार परचेस करके लाया, लेट सपोज मैं 10 दिन पहले कार परचेस करके लाया होंडा सिटी, ठीक है, मैं लेकर आया 15 लाख रुपीज की, अब मेरे को थोड़ी सी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगी, मेरे शोरूम उसमें खड़ी हुई है, गैरेज के अंदर खड़ी हुई है, ज्यादा अच्छी लगी, मैंने एक स्टूडेंट को बोला यार ले जाओ होंडा सिटी, लेते 15 लाख की लाओ, 15 लाख में ले जाओ। वो हंस दिया मेरे ऊपर, मैंने कहा यार क्यों हंस रहा है सर, कहने लगे सर 15 लाख की गाड़ी आपकी लूँ 15 दिन पुरानी, मैं इससे अच्छा शोरूम पे ना ले आऊँ, वहाँ पे भी मुझे 15 लाख की मिल रही है, मैं तो कुछ आपसे कम पैसे में लूंगा। मैंने कहा भाई कितने मिलेगा, बोला सर 14 लाख में दे रहे हो तो बात करें। सर उसने मेरी एसेट की वैल्यू को कम कर दिया, जैसे जैसे वो कार पुरानी होती जाएगी और ज्यादा ओल्ड होती जाएगी, क्या उसके पैसे बढ़ेंगे कम होंगे, सर कम होंगे। तो ये जो एसेट्स है पुरानी हो रही है, आज तुम्हारा मोबाइल फोन तुमने जितने का परचेस करा था आज उतने का सेल कर दोगे क्या, नहीं, बिकॉज इसकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि तुम इतना यूज करते हो, इतने गेम खेल खेल के तुमने उसकी बैटरी को क्या कर दिया, खराब कर चुके हो, है ना, तो क्या उतने का सेल हो जाएगा, नहीं सर, ये जो फॉल आ रहा है ना वैल्यू के अंदर, एसेट्स की वैल्यू के अंदर जो फॉल आता है उसको आप बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कुछ रीजन होते हैं, हो सकता है कि विद द यूजेज ऑफ टाइम, जैसे जितना पुराना हो गया, या वियर एंड टीयर, कोई स्क्रैच पड़ गया उसके ऊपर, कोई स्क्रीन वगैरह टूट गई, कुछ हो गया, स्क्रैच पड़ गया कार के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं वियर एंड टीयर। एक होता है विद द फ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता, और एक होता है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई आपका, तुम्हारा मोबाइल पुराना हो गया, आज की डेट में नए प्रोसेसर आ गए, तुम्हारे फोन में पुराना प्रोसेसर है, तो उस पर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के रीजन एफ्लेक्स ऑफ टाइम, या फिर आप बोल सकते हो इसमें अंदर एफ्लेक्स ऑफ टाइम, आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी होगी, वेयर एंड टियर किया, ठीक है। तो वैल्यू कितने की थी, मान लो 10 लाख की चीज रह गई आज 5 लाख रुपए की, ठीक है, विद द एफ्लेक्स ऑफ टाइम इसको क्या बोलेंगे, 5 लाख का क्या लग गया आपके एसेट के ऊपर, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के दो मेथड थे, उस तक मैं नहीं जा रहा, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता था, एक WDV मेथड होता था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता था, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी इनटैंजिबल एसेट्स है उसके लिए आप वर्ड डिप्रिसिएशन यूज नहीं करते, कौन सा वर्ड यूज करते हो, अमोर्टाइजेशन। आपकी गुडविल है, गुडविल कंपनी की गुडविल, आपका जो कॉपीराइट है, आपका जो पेटेंट है, पेटेंट पेटेंट, ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क, पूरा पूरा नहीं लिख रहा, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ट्रेडमार्क ले लो, इनकी वैल्यू अगर कम होती है, इनकी वैल्यू में अगर फॉल आता है, तो आप डेप्रिसिएशन वर्ड यूज ना करके कौन सा वर्ड दोस्तों यूज करते हो, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो घन चक्करों की तरह इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन मत बोलना, अमोर्टाइजेशन बोलना, अच्छा लगता है थोड़ा, सामने वाले को लगता है हाँ भाई हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है। अब देखो डिस्काउंट, सर डिस्काउंट का मतलब तो हम समझते हैं ना सर, जब चीजें हमें सस्ते में मिलती है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है भाई समझ गया, मैं समझ गया। चीजें कब सस्ती मिलती है सर, देखो ना हम मार्केट में गए सर, हम आलू वाले भैया के पास गए, भैया भैया आलू दे दो, 1 किलो कितने के दिए, उसने बोला भैया 30 रुपए के, हमने बोला भैया 5 किलो कितने के दोगे, तो उसने 10 रुपए कम कर दिए। तो ऐसे डिस्काउंट को क्या बोलते हो, ट्रेड डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट को क्या बोलते हो, ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से देखो डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन यू आर परचेसिंग क्वांटिटी इन बल्क, बल्क में आपने क्वांटिटी को परचेस करा एंड तो सामने वाला आपको क्या देता है, सस्ते में दे देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और एक होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होता है जब तुमने सारे के सारे पैसे इमीडिएटली पे कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। अभी के लिए इतना समझ लो, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने बोला सर आपके पास पढ़ना है और आप पूरा साल का पैकेज बताओ सर कितना पैकेज होता है, तो अगर वो पूरे साल की फीस इंस्टेंटली दे देता है, तो उसको हम थोड़ा सा क्या देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। वो डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, वो क्या ट्रेड डिस्काउंट है, नहीं वो कैश डिस्काउंट है, कि तूने पूरे साल के पैसे एक बार में दे दिए, तो उसको हम क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, वो कैश डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। चलो ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है सर, सारे सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं सर, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बीएससी मैथ्स वगैरह जो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है, सारे पैसे इकट्ठे दे दिए तो कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल।